जय नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली है असम राइफल में लड़के और लड़कियों की ड्यूटी क्या होती है, इसका पूरा क्या क्या बायोडाटा है, इसकी पूरी जॉब प्रोफाइल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही जिन लोगों का जो अभी मेहनत कर रहे हैं असम राइफल में या किसी ऐसे GD की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा दूसरा YouTube चैनल फौजी मैथ अकेडमी, उससे जुड़ जाइए दोस्तों। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है, वहाँ पर मैथ और रीजनिंग की मैं क्लास चलाता रहता हूँ और आने वाली नई जो वैकेंसी हैं उनकी अपडेट उधर देता रहता हूँ। तो दोस्तों अभी तक आप उससे नहीं जुड़े हो चैनल से, तो जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं कि असम राइफल, तो जो असम राइफल है ये इसमें लड़के और लड़कियों की ड्यूटी क्या होती है। सबसे पहले आप सभी को पता है कि अगर असलियत में देखा जाए, ओरिजिनलिटी में देखा जाए, तो जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो सिर्फ असम राइफल ही है, बाकी जितने भी CRPF BSF ITBP है ये सब CAPF है, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स है। और जो ये असम राइफल है ये ही वास्तविक रूप से पैरामिलिट्री फोर्स है। असम राइफल के बारे में जैसे असम नाम आ गया तो कईयों को ऐसा लगता है कि सर इसकी ड्यूटी केवल असम में ही होती है क्या? नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट में अपनी ड्यूटी करती है। इसके 46 बटालियन है, कम से कम 63,000 के समथिंग इसकी टोटल स्ट्रेंथ है। वैसे भारत की सबसे पुरानी अगर पैरामिलिट्री फोर्स है तो असम राइफल है। इसकी स्थापना 1835 में हो गई थी दोस्तों, अंग्रेजों के समय इसकी स्थापना हो गई थी, तब से ये अभी तक चल रही है। जब शुरुआत में इसमें 750 बंदे से ये स्टार्ट हुई थी, आज 63,000 के समथिंग इसकी नफरी। आपको पता असम राइफल का सबसे जो बड़ा पंगा है ये दो विभागों में बटी हुई है, आर्मी के अंडर भी आती है और होम मिनिस्ट्री के अंडर भी आती है, मतलब CAPF के रूलों के अंदर भी आती है और जो पैरामिलिट्री रूल है उसके अंदर भी आती है। आपको पता है कि इसमें जितनी भी कमांड होती है, जितने भी ऑफिसर होते हैं वो सभी आर्मी के होते हैं और इसके जितने भी काम होते हैं वो सभी होम मिनिस्ट्री के होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के होते हैं, तो मतलब ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आती, इसके सभी काम उससे होते हैं। लेकिन इसकी जो ड्यूटी डिप्लॉयमेंट और जो शिफ्टिंग होती है, जैसे ट्रांसफ़र होते हैं, वो सभी आर्मी के अंडर आते हैं। आर्मी के रूलों के अनुसार इसकी ड्यूटी होती है, उसी के अनुसार इसके ट्रांसफ़र होते हैं और उसी के रूल के अनुसार इसकी जो जैसे ऑफ ड्यूटी हो गई या नॉर्थ ईस्ट की जो भी ड्यूटी होती है। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में ड्यूटी के साथ साथ ये म्यांमार और इंडो, यानी इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर सीमा लगती है उसकी भी देखभाल करता है, उसी वजह से ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। जैसे BSF हो गई, ITBP हो गई, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस की वो रखवाली करता है, ये अपना BSF आपको पता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो भारत पाकिस्तान से लगी सीमा की रखवाली करता है, उसी प्रकार ये भी इंडो म्यांमार यानी इंडिया और म्यांमार से जो भारत देश की जो सीमा लगती है उसकी रखवाली करता है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट में ये लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी करता है, जैसे CRPF ड्यूटी करती है, BSF ड्यूटी करती है, ITBP करती है। लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी की जो मतलब आंतरिक सुरक्षा के रूप में जो ड्यूटी होती है CRPF की, उसी तरह ये नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका होता है उसमें इस प्रकार से ड्यूटी। अब कईयों का ये क्वेश्चन रहता है इसमें असम राइफल नाम आने की वजह से, क्या सर असम राइफल केवल असम में ही ड्यूटी करती है, इसकी ट्रेनिंग क्या असम में ही होगी, इसकी ग्रुप सेंटर क्या असम में ही है या हमारी ज्वाइनिंग क्या असम में ही होगी? तो दोस्तों शुरू से क्लियर करता हूँ सबसे पहली बात कि क्या ये असम में ड्यूटी करती है, नहीं ऐसा नहीं। असम राइफल आपको जम्मू कश्मीर में भी मिल जाएगी, ठीक है, असम में तो मिलेगी, असम से लगे सभी जो स्टेट है उन सभी में ये मिल जाएगी आपको, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा क्षेत्र आता है उन सभी स्टेट में ये मिल जाएगी, जहाँ पर भी नॉर्थ ईस्ट में इधर जितने भी आते हैं इन सभी में असम राइफल मिल जाएगी। नॉर्थ ईस्ट का पूरा जो भाग है उसमें लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी करती है, साथ में जो म्यांमार की भारत की जो सीमा आपको पता है कि जहाँ लगती है उस सीमा की रखवाली करता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप असम राइफल में सेलेक्ट होते हो तो आपको सिर्फ असम में ही ड्यूटी मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। दूसरी, इसको जो सुविधाएँ होती है, इसकी जो सुविधाएँ हैं वो इसको सुविधाएँ मिलती है आर्मी की, जैसे आपको कैंटीन सुविधाएँ मिलती है, इसमें सबसे बेनिफिट बताता हूँ इसके थोड़े से, आर्मी कैंटीन सुविधाएँ मिलती है इसमें, बाकी सबको CPF कैंटीन सुविधाएं मिलती है, इसमें CDS कैंटीन सुविधाएं मिलती है, जैसे आर्मी वालों को मिलती है वो सभी इसमें कैंटीन सुविधाएं रहती है आपको। जो इसकी पेमेंट और प्रमोशन और रिटायरमेंट है वो बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसी की तरह इसके प्रमोशन पेमेंट और रिटायरमेंट मिलते हैं, यानी जो इसकी पेंशन की स्कीम है वो जो बाकी से भी NPS है उसी प्रकार इसकी भी NPS की पेंशन की स्कीम है, तो उनमें कोई फ़र्क नहीं है। अब रहते हैं इसकी जो मेन ड्यूटीज़ है, वो मैंने बताया कि जैसे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी है, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में आगे जैसे इलेक्शन ड्यूटी हो गई, अपना जैसे छत्तीसगढ़ नक्सलाइट एरिया है उस प्रकार से अगर उधर कोई नक्सलाइट एरिया है तो जैसे नॉर्थ ईस्ट में माओवादी वामपंथी इलाके हैं तो उन पे ड्यूटी रहती है इनकी। और जो इनकी ऑफ ड्यूटी रहती है
वो आर्मी के साथ ही इसकी ड्यूटी होती है और उसके डिसाइड भी आर्मी करता है। अब जो लड़कियों का क्वेश्चन रहता है ज़्यादातर कि सर लड़कियों के लिए असम राइफ़ल कैसी है, और इस बार काफ़ी लड़कियों का नंबर आया असम राइफ़ल, तो मैं बता दूं कि आप चाहे CRPF में आ जाओ, चाहे BSF में चले जाओ, चाहे CSF में चले जाओ, चाहे ITBP, चाहे SSB, चाहे असम राइफ़ल, लड़कियों की जो ड्यूटी है उस आपने जैसे इंडियन तिब्बत जो मैंने पुलिस का जो बनाया था वीडियो उसमें देखना, लड़कियों की ड्यूटी भी इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स के रूप में जो कुछ चौकियाँ ऐसी है जहाँ पर लड़कियाँ ड्यूटी करती है हिमालय की उन बर्फीली जगहों में, तो वे वहाँ पर ITBP की जो जवान जो लड़कियाँ जो ड्यूटी करती है तो उससे उसी प्रकार की ड्यूटी सीखी है। तो इतनी हार्ड आप ऐसे लग रहे हो कि जैसे CRPF की तो बहुत ही या CISF की तो बहुत ही इसकी बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं। सभी की ड्यूटी आपको जैसे बेल्ट की अगर आप जॉब करते हो या फौज में अगर आप आते हो तो थोड़ी सी तो आपको कठिनाई झेलनी पड़ती है, चाहे वो ट्रेनिंग में। अब कईयों को ये भी डर लग रहा है सर इसकी ट्रेनिंग आर्मी के अंडर होती है तो आर्मी की जैसी ट्रेनिंग होती है, नहीं, इसकी कुछ ट्रेनिंग आर्मी के अंडर में होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि लड़कियों के लिए ट्रेनिंग हार्ड होती है या लड़कों के लिए ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। भले ही आर्मी की तरह ट्रेनिंग होती है लेकिन मापदंड इसमें टोटल CAPF के ही चलते हैं, ठीक है। आर्मी की जो आर्मी से जो सिलेक्टेड होते हैं उनकी ट्रेनिंग और इसकी ट्रेनिंग में बहुत फ़र्क होते हैं। जो आर्मी के जो ट्रेनिंग होते हैं और इसकी जो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल जो मेन्यू डिसाइड होता है कि इतने किलोमीटर रनिंग इतने किलोमीटर वो CAPF के द्वारा ही डिसाइड होते हैं, ठीक है। तो आर्मी के रूल के अनुसार इसकी ट्रेनिंग नहीं चलती है पूरी, कुछ चलती है कुछ चीज़ों में, जैसे उनके साथ ऑपरेशनल ड्यूटी करते हैं उस प्रकार की ड्यूटीज़ के लिए ज़रूर रूल चलते हैं, लेकिन जो मापदंड है वो सभी CAPF के ही चलते हैं दोस्तों, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ना असम में ड्यूटी केवल असम में ड्यूटी करते हैं, सभी दिल्ली में भी इसका हेडक्वार्टर है, दिल्ली में भी आपकी ड्यूटी आ सकती है और भी सभी स्टेट, जैसे मैंने बोला जम्मू कश्मीर में भी है अपना, मतलब सभी स्टेट ले लीजिए नॉर्थ ईस्ट के उन सभी में तो ये मिल ही जाएगी। बाकी भी इंडिया में कई स्टेटों में असम राइफ़ल ड्यूटीज़ करता है, इलेक्शन में भी ड्यूटी करता है, अगर स्टेट इलेक्शन होते हैं उनमें भी ड्यूटी करता है, आपदा प्रबंधक के रूप में भी काम करता है, भीड़ नियंत्रण का भी काम करता है इन प्रकार से, साथ में NSG में भी जा सकते हो, SPG में भी जा सकते हो, कमांडो बनकर NDRF में जा सकते हो, तो वो सभी ऑप्शन आपके इसमें ओपन रहते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि असम में ही आप रहोगे। अब एक चीज़ और बता दूं मैं असम के बारे में, अगर आपकी असम में भी अगर ड्यूटी लगती है तो दोस्तों आप अगर दूरी देख रहे हो, कुछ लड़कियां बोल रही है सर बहुत दूर है कैसे परेशान रहे, कोई परेशानी नहीं होगी, फ्लाइट में बैठो 2 घंटे में दिल्ली, कहीं पर भी आपकी हर जगह फ्लाइट की सुविधा असम से, और बहुत ही शानदार जगह है असम, जो असम से बिलोंग करते हैं उनसे पूछना कितना शानदार क्लाइमेट है असम का, हर कोई फौजी जाना चाहता है असम में ड्यूटी करना चाहता है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, कोई रिस्क नहीं है, अभी प्रेजेंट टाइम असम में कोई रिस्क नहीं है। आपने कई दिनों से असम में सुना होगा कोई भी ऐसी प्रकार की न्यूज़ नहीं है कि जहाँ पर बहुत जैसे छत्तीसगढ़ या श्रीनगर इस प्रकार की ड्यूटी नहीं है असम में, मतलब पीसफुल इलाका है, शानदार इलाका है, बहुत ही शानदार क्लाइमेट है वहाँ का, आपको जाके बहुत खुशी होगी। इसलिए आप को अगर कोई बोल रहा है कि असम राइफ़ल अच्छी नहीं है या असम राइफ़ल की ड्यूटी ऐसी है तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, वो गलत गाइड कर रहे हैं, उनको शायद पता नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आप असम राइफ़ल में सेलेक्ट होते हो या असम राइफ़ल में जाना चाहते हो तो बिल्कुल जाइए, क्योंकि आपको सुविधाएँ कुछ सुविधाएँ आर्मी की मिलती है जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जैसे वर्दी पहनने का आपको आर्मी की वर्दी पहनने का मौका मिलेगा, और कैंटीन सुविधाएँ जैसे मैंने बताया दी कि आपको आर्मी की कैंटीन सुविधाएँ मिलती है, जो पे का जो स्केल होता है कुछ रिस्क अलाउंस भी आर्मी के आपको मिलते हैं, कुछ हार्ड अलाउंस भी मिलते हैं जो आर्मी पे में मिलते हैं वो आपको भी मिलते हैं, लेकिन जो बाकी जो आपकी पे और रिटायरमेंट और प्रमोशन होते हैं वो होम मिनिस्ट्री के अंडरगर्ड ही होते हैं, तो उनमें तो आपको सेम ही उसी के रूल फॉलो करने होते हैं। लेकिन केवल असम में ड्यूटी नहीं होगी और आपकी ट्रेनिंग, हाँ क्या आपकी ट्रेनिंग असम में होगी, नहीं ऐसा नहीं है, केवल असम में आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी, कहीं पर भी ट्रेनिंग हो सकते हैं, इसके ट्रेनिंग सेंटर काफ़ी, कोई केवल असम में इसके ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, इंडिया में बहुत सारी जगह कम से कम 25 से 30 जगह इसके ट्रेनिंग सेंटर हैं, ठीक है। तो वो ट्रेनिंग सेंटर की अलग से मैं लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, PDF देख दूंगा, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जुड़ जाइए, उसका लिंक भी नीचे है, उसमें मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा कि असम राइफ़ल के ट्रेनिंग सेंटर कहां कहां पर है, और सभी के ट्रेनिंग सेंटर में बता दूंगा, BSF CRPF उनकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।